तो सुबह सुबह मैं और मोनिका निकल गए हैं वॉक पे और मौसम बहुत अच्छा है। यस, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम इज ऑसम। और साथ ही हमने खरीदा एक छोटी सी दूध की थैली, मोनिका दिखाइए। हाफ लीटर की है, ऑब्वियस है। एंड हम लोग अब जा रहे हैं, काफ़ी वॉक हो गई है, मतलब ये वॉक वैसे नहीं थी कि स्वेटिंग हो जाए, ये हो जाए, बट जस्ट फॉर अ मेंटल पीस थोड़ी सी छोटी सी वॉक करी हमने और काफ़ी मज़ा आया। अब मस्त से एकदम चाय पीएंगे। अब चाय बनती है बॉस चाय तो पीनी पड़ेगी, अदरक वाली भयंकर चाय। जा रहे हैं सुबह सुबह, थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह खरीदनी है। जिस दिन चेतन की छुट्टी होती है मैं सोचती हूँ उसी दिन सब कुछ ले आऊँ ताकि मेरे को फिर यू नो प्रॉब्लम नहीं हो। तो भीलवाड़ा में हो रही है सुबह सुबह बारिश, उसने कहा नहीं नाम पर करने पड़ेंगे थोड़े बहुत काम, क्योंकि काम तो करने पड़ेंगे चीज़ें तो चाहिए खाने पीने के लिए, इस टाइम लोग को जाना पड़ रहा है। बट बहुत हल्की हल्की बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो ठीक है, अवेलेबल है, चल सकता है। नीचे खड़ी है ताकि उनको बारिश की बूंदे ज्यादा ना लगे, तो सब एक जगह पैसे इकट्ठे हो रखते हैं के बाहर। एंड बस हमारा मन कर रहा है कि कॉफी पिए क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो उसके साथ में मैंने सोचा है कि छुट्टी है चेतन की तो कुछ बना लेते हैं अच्छा सा। तो मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड विद चीज़। मैंने सोचा है कि मैं कैसे बनाऊँगी, मैं बनाती हूँ, फिर अगर अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा लगा, तो आप लोगों को भी बोलूँगी ट्राई करने के लिए। आप लोग भी देख लीजिए अभी मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जब भी गार्लिक ब्रेड बनाती हूँ मैं गार्लिक को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, उससे उसका फ्रेग्रेंस जो है बहुत अच्छा आ जाता है। एक मैंने ट्रिक देखी थी जिसमें वो लोग ना गार्लिक को ऊपर से ऐसे कट करके ऑयल डाल देते हैं और फिर उसके बाद में उसको ओवन में रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना होता है। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, ऑयल डाला और उसको रैप करके, और मेरे पास ओवन नहीं था तो मैंने गैस पे डायरेक्टली रख दिया, क्योंकि अगर आपके पास वो जो पापड़ सेकने के लिए और वो जो एक ऐसा आता है ना जिसमें जाली जाली रहती है वो रहती है तो वो यूज़ करें, बिल्कुल ऐसे ना डालें। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मुझे लगा एक बार ऐसे ट्राई कर लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं किया, अप्रॉक्स सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए मैंने ट्राई किया था। ऑयल बिल्कुल जला नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, और मतलब इसके अंदर जो गार्लिक था वो थोड़ा सा ज़रूर भुन गया था और उसकी एक फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी सी आ गई थी जैसे मुझे चाहिए थी, तो मैंने वो ट्राई किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गार्लिक है वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भुन चुका है। अगर आप ये ओवन में करते हो ना तो ओवन में मतलब पूरा एकदम ऐसे मैंने देखा था कि पूरा स्क्वीज़ हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है गार्लिक। ये इतना सॉफ्ट नहीं हुआ था, थोड़ा हार्ड था, तो उसके बाद में सिकने के बाद में इसमें फ्रेग्रेंस भी अच्छी आ रही थी। अभी ये थोड़ा हार्ड था क्योंकि गैस पे मैं ज़्यादा देर सेका नहीं मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि फॉइल कहीं जल जाए, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था इसलिए मैंने नहीं सेका। हालांकि फॉइल पूरी तरीके से सही था, जला बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने इसको छील लिया। इसके छील के सारी कलियाँ मैंने अलग कर ली, आप देख सकते हो जो कलियाँ हैं ना वो अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, एक साइड से थोड़ी सी वाइट है और थोड़ी सी वाइट है और थोड़ी सी पीछे वाला हिस्सा जो सॉफ्ट हो चुका है इसका, आप देख सकते हो। इसको ना अगर ये बहुत सॉफ्ट होता तो मैश कर लेते डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा टाइट है इसलिए इसको क्रश कर लूँगी मैं। क्रश करने के बाद में मैंने इसमें ग्रीन धनिया, बटर एंड थोड़ा सा सॉल्ट, अगर आप कम खाते हैं तो ना डालें, लेकिन मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, वो डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से क्या है ना बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाएगा। उसके बाद में मैंने तवे पे ब्रेड गरम कर ली है, तो ब्रेड में गरम करते टाइम इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक साइड ऑलरेडी थोड़ा सा बटर लगा के इसको रखा हुआ था ताकि मतलब यू नो तुरंत से गार्लिक अगर वो बटर लगा के करेंगे ना तो जल जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे सेक लिया था। उसके बाद भी मैं इसमें सेक लगा रही हूँ गार्लिक बटर जो मैंने बनाया हुआ है मिक्स करके, वो वाला पेस्ट लगाऊंगी मैं इसके ऊपर और इसको अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे।
फ्लेम को एकदम कम रखें, मेरी फ्लेम से ज़्यादा कम होती नहीं है। गार्लिक वाली एंड कॉफी, अच्छी लग रही है देखने में, देखते कैसी लगती है खाने में। अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी जो थोड़ी देर पहले गार्लिक ब्रेड खाई थी और जो कॉफी पी थी वो कैसी लगी? बहुत अच्छी, बनाते जाओ, सबको ट्राई करनी चाहिए, सबको ट्राई करनी चाहिए, बनाते जाओ। एक्चुअल में जितने अच्छी लगी थी और उन्होंने और बनवाई थी, मैंने बना ली थी ऑलरेडी, फिर बोला और खाऊंगा और बना के लेके आ, तो काफ़ी अच्छी बनी थी, आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे अच्छी बात, हर एज को पसंद आती है, खाओ मस्त बनाओ। चेतन वो पता नहीं वो क्या कर रहे बैठ के, भगवान जाने वो क्या कर रहे बैठ के, तो देखते हैं जरा सा। हाँ जी क्या कर रहे हो? इसने हमें तब करने से हमें उठाया है, जब से कौन है ये पापी। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी आखिरी मैजिक ट्रिक देखी थी लास्ट वीडियो पर और बहुत आप लोगों का आया कि बहुत अच्छा मैंने दिखाया, आज मैं एक आपके सामने एक बहुत ही अनोखी मैजिक ट्रिक लाया हूँ जो शायद ही आज तक किसी ने परफॉर्म करी है। तो ये जो मैजिक है इसमें जान का खतरा कंटिन्यूस बना हुआ रहता है मेरे को, फिर भी मैं ये अपनी जान पर खेल के आपको ये ट्रिक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकें और अपने घर में बैठ के इस मैजिक का आनंद ले सके। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, एक छोटी सी बॉटल है मेरे पास, इसके ऊपर एक लीटर की है और इस आपको गायब कर दूंगा मैं, ज़्यादा पहले सुनो आपको बात। इधर दिखाओ, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये जो है इसको क्या है, थोड़ा सा पानी से मैंने भरा हुआ है, आपको मैं दिखा दूँ, ये बड़ी नॉर्मल सी काम करने वाली बॉटल है, ये वाटर स्प्रे करती है इस तरह से। तो अब देखिए इसका असली जादू मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है कि लोग इसको नॉर्मली ऐसे यूज करते हैं पानी के लिए, पुस पुस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका असली जादू, अब ये काम कर रही है, अब देखिए अभी भी काम कर रही है पानी से निकाल के फिर भी। वाओ ये हुई असली ट्रिक, अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, जय महाकाल। कर दिए जिसके कारण ये जिसके कारण ऐसा कुछ हो गया है, कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। खुलने वाला यहाँ पे मल्टीवर्स का, अच्छा होता ना ऑफिस चले जाते हैं तो अच्छा रहता है, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा भारी हो जाता है मेरे लिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं सह जाती हूँ सब। अभी यहाँ पे एक और द्वार खुलने वाला है मल्टीवर्स का, ये जा आपको कभी बोर नहीं होने देते हमेशा हंसा हंसा के। ठोको लाइक दबा के, जय महाकाल। ओके गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आज ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, तो बस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं उन सब के लिए, बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और बस थैंक यू, गुड नाइट, बाय।